उपाध्यक्ष सतपाल जी और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, माननीय पूर्व स्पीकर साहिबा सुमित्रा सिंह जी, जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह जी, पूर्व विधायक मूल सिंह जी, डॉक्टर हरि सिंह जी, सांसद महोदय दुष्यंत सिंह जी, निहारिका जी उपस्थित, इतनी अच्छी संख्या में मेरी सब माताएं बहनें आपको प्रणाम करूं। पहले आप लोग सब यहाँ आई हो, जब भी आपको देखती हूँ तो वैसे ही मेरे को मेरे हौसला अफजाई हो जाती है। आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आपको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी। उसके साथ साथ मेरे साथ बुजुर्ग, मेरे भाई, सब लोग इधर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी मैं सबसे पहले प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी इतने जोरदार तरीके से इस आदर्श विद्या मंदिर का पूरा प्रांगण भर के झुंझुनू की आवाज इतनी बुलंद की और बुलंद करके हम सबके अंदर जोश भर दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल सही टाइम पे जोश भरा, क्योंकि ये छठा संभाग हम लोगों का चालू हुआ है और आप ये समझ सकते हो कि 9000 किलोमीटर और 130 सभा, 131वीं सभा है, 131वीं सभा तक हम लोग पहुंचे हैं, तो सब लोग वैसे ही मके मानते हैं। परंतु आप जैसे इस तरीके से बैठे मिलते हो, आप लोगों का जो प्यार मिल जाता है, तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा जोश भर जाता है कि लगता है कि और 1000 किलोमीटर कर लो, मालूम ही नहीं पड़ेगा, राजस्थान को पूरा नाप कर छोड़ दो। और अगर आप लोगों के लिए हम लोग कुछ कर सके तो मैं समझती हूँ कि हमारा वो भाग्य होगा। सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सब लोगों को अपनी उपलब्धि जोर जोर से सुनाने का मौका मिलना चाहिए, परंतु उपलब्धि हो तब तो अपन उसको काम करें। अगर आपकी उपलब्धि होती है तो उस उपलब्धि के बारे में खड़े होके सबको सुनाना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि सब लोग उस उपलब्धि को देख के समझ के खुश भी होंगे। परंतु उपलब्धि और घोषणा के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप अपनी उपलब्धि, अपनी घोषणा करके उसको उपलब्धि में डालने की कोशिश करो, तो मैं समझती हूँ कि एक किस्म से पूरे राजस्थान के अंदर वो मजाक बन जाता है। आज मैं अखबार देख रही थी और उसमें से मैंने कुछ कटिंग करके निकाले, ये कुछ आप देख रहे हो। हमारे कांग्रेस पार्टी रोज सुबह एक पोस्ट कार्ड भेजती है जनता को, आज कई नंबर हो गए पोस्ट कार्ड के। तो सबसे पहले तो मैंने वो पोस्ट कार्ड निकाला जो 12 नंबर का था। आपको मालूम नहीं, रंग आपने देखा होगा, ऐसे पोस्ट कार्ड देखे होंगे ना, ऐसे पोस्ट कार्ड देखे ना, ये आपके अखबार में आता है। मैंने कहा कि एक उसमें निकला कि महिला थानों में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों के अंदर का संचालन, ये महिला थानों में महिलाओं की सुरक्षा और सलाह केंद्रों का संचालन महिलाओं के लिए करने का काम किया है इस कांग्रेस पार्टी ने। मैंने देखा कि अगर महिलाओं की इज्जत के साथ कहीं खिलवाड़ हुआ है तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार ने किया है। महिलाओं की इज्जत को सड़क के ऊपर तार तार करके अगर रखा है तो इस सरकार ने किया है। और ऐसा उपलब्धि के नाम पर पोस्ट कार्ड लोगों को भेजना, मैं समझती हूँ कि कहाँ तक सही है, ये महिलाएं मेरे को बताएं। आप लोग जब जानती हो कि सड़क के ऊपर शाम को चल नहीं सकती हो सुरक्षित, आप लोग सब जानती हो कि हमारी बच्चियां अगर स्कूल और कॉलेज के लिए चली जाती हैं तो जब तक घर वापस नहीं आती है तो कैसा दिल धड़कता है, कैसा दिल धड़कता है। जयपुर के अंदर कुछ दिन पहले मूक बधिरों के साथ जो हुआ, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई यहाँ बैठा हुआ है कोई भूल सकता है, कोई भूल सकता है। 9 महीने के लिए भाइयों अत्याचार हुआ उन बच्चियों का, और जब पकड़ा गया तो उस समय 3 लाख रुपए एक को देके ये कह दिया गया कि बस अब तुमको 3 लाख दे दिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी असमत के लिए 3 लाख रुपए देके क्या आप पल्ला झाड़ सकते हो, क्या आप ये कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर हमारी महिला सुरक्षित है। अरे महिलाओं का बलात्कार पुलिस स्टेशन के अंदर हो और आप मेरे को ये लिखते हैं कि महिला थाना में महिला सुरक्षा, क्या बात कर रहे हैं।
महिलाओं के साथ बलात्कार ही नहीं, वहाँ मर्डर उसी थाने के अंदर उसकी जान लिए गई, ऐसी भी हालत आपने रोज रोज अखबार के अंदर पढ़ने को मिलता है क्यों मिलता है माता बहने? मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, और आज अगर कोई भी अपना परिवार का मुखिया अपनी माता बहन या बिटिया की इज्जत तो नहीं बचा सकता, तो उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठने का कोई हक है, कोई हक नहीं है। मैं देख देख के परेशान हो गई हूँ। ये तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा, मैंने इसलिए निकाल के सब लोगों को दिखाना चाहा। नंबर 23, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत विभिन्न प्रकार की आवश्यक चिकित्सा जांच निःशुल्क। मैंने झुंझुनू के कागज निकाले और मैंने देखा कि अस्पताल में विशेषज्ञ के डॉक्टर की कमी है, जांच सुविधाओं के नाम पर अव्यवस्थाएं ज्यादा हैं, लोगों को परेशान होकर निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है, डॉक्टर जितने होने चाहिए वो नहीं है। और अगर ये स्थिति है तो मुझे ये बताओ कि निःशुल्क जांच योजना के तहत विभिन्न प्रकार की आवश्यक चिकित्सा जांच निःशुल्क कहाँ हो रही है, ये मुझे समझाने की कोशिश करो। आज ये राजस्थान पत्रिकार आप लोग सबने पढ़ा होगा, आपकी कलेक्टर इस अस्पताल के अंदर गई और अस्पताल मरीजों का पहुंचकर वहां बाहर की दवा देख के उसने ये पूछा कि ये बाहर की दवाई आई है, महंगी दवाई आई है, ये महंगी दवाई आके इस अस्पताल के अंदर कहां से आ गई है? और ये जिस तरीके से जांच हो जानी चाहिए थी, जिस तरीके से आप लोगों को अपनी दवा और सस्ती जांच करने की जरूरत थी, वो हमारे इस अस्पताल में नहीं हो रही है। ये इस पत्रिका के अंदर आज के पेपर में पहला तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है। और मैं ये कह रही हूँ कि झुंझुनू के अंदर नहीं है तो ये पूरे प्रदेश के अंदर भी नहीं है, क्योंकि मैं 5 संभागों से निकल के आ रही हूँ, सर जगह के अंदर मेरे को यही सुनने को मिला है कि कहाँ है वो दवाई, हमारे डॉक्टर कहाँ 10 होने चाहिए वहाँ 1 है, वहाँ जहाँ 6 होने चाहिए वहाँ 1 है, जहाँ 5 होने चाहिए वहाँ नर्स है, और वहाँ नर्स है वो 3-3 4-4 गाँव को संभाल रही है। तो मुझे बताओ कि ये कौन पर्ची लिखता है, कौन आपको देता है दवाई और कौन आपकी जांच कराता है, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया है। परंतु आज ही अखबार में आ गया तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों के सामने मैं पूछना चाहूंगी, इसके बारे में आप लोग मेरे को बता सकते हो तो बताओ। माताएं बहने, मैं भूल गई आपको ये बताना कि अभी अभी मैंने आज का ये पत्रिका पढ़ी, इसके अंदर जयपुर की न्यूज है कि शादी के लिए लड़कियों का अपहरण, बच्चियों को ले जा रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश ले जा रहा है, कोई बिहार ले जा रहा है, उनको छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण हो रहा है और इस प्रदेश के अंदर से हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बच्चियां भी छोटी से छोटी बच्चियों से लेके महिला तक अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या बात है महिला, क्या बात है माता बहने, मेरे को ये बताओ। इधर मैंने देखा, आगे चलते अपन, मैंने देखा सड़क पानी बिजली कुछ भी नहीं, क्या करेंगे लोग। ये है जयपुर का अखबार, जहां भी मैं गई हूँ वहां मुझे बार बार यही स्थिति मिली है, अरे आप मेरे को पानी पिला दो, फ्लोराइड का पानी है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, खारा पानी है, हमको पीने का पानी नहीं है, माताओं बहनों को 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, और अगर पानी आता है तो वो टैंकरों में आता है, हमको 1,000 रुपया टैंकर प्रति टैंकर देना पड़ता है, ऐसी स्थिति में हम कहां तक जिएंगे। मैं आपके झुंझुनू की भी कागज को निकाल के मैंने देखा कि भैया झुंझुनू के अंदर क्या हो रहा है, तो झुंझुनू के अंदर मेरे को मालूम पड़ा कि पेयजल का संकट तो बहुत ज्यादा गहराया हुआ है, भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और पानी का फ्लोराइड का मात्रा बहुत ज्यादा है, और झुंझुनू शहर के अंदर पेयजल की आपूर्ति 5-30 मिनट के लिए है और टैंकरों से पानी पूरा आपको जो कमी है उसको पूरा करना पड़ता है, और जिला डार्क जोन के अंदर आ गया है तो पूरी तरह से कुओं को गहरा करने पर भी पाबंदी हो गई है, परंतु अगर 1,00,000 रुपया दे दोगे तो कहीं भी कुआं पूछ सकता है, कहीं भी ट्यूबवेल पूछ सकता है, तो डार्क जोन का क्या मतलब है कोई मुझे ये बताने की कोशिश करे, कोई मुझे बताए। कुएं और ट्यूबवेल अगर आपको खोदना है तो अफसरों को 25,000 रुपए और बड़े लोगों को आप 1,00,000 रुपए दे दीजिए। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने पता किया तो लोगों ने बताया कि 100-100 अब आपने साल के अंदर खोदे हैं जिसके लिए 1,00,000 रुपया लिया जाता है, ये क्या बात है, क्यों डार्क जोन? तो फिर सबको खोद
पानी की परमिशन दे दी जानी चाहिए ताकि लोग पानी का इंतजाम अपने हाथ से कर लें। अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो लोग तो कर पाए, उनको छूट तो दे दी जाए। इस तरीके से दोनों तरफ से अगर उनको लूटा जाता है, उनकी मूलभूत सुविधाओं को नहीं मिलती है, तो ऐसी सरकार को क्या उस गद्दी पर बैठने का हक है? है क्या हक? आप लोग मैंने को बताइए, सब बैठे हुए है क्या हक? जो बात को बिजली नहीं दे पाते, जो बिजली नहीं दे पाते, जो पानी नहीं दे पाते, ऐसे लोगों को बैठाने का क्या हक है? मेरे को ये बताइए। फिर कहते हैं सड़क बिजली पानी कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे लोग? हमने ये पता किया, झुंझुनू का दुर्भाग्य है, कितने बार तो आपके सांसद रह चुके हैं, कितने बार आपके मंत्री रह चुके हैं, दोनों नेता ने ये कह दिया था भाई नाम आप हमको खाली जिता दीजिए और जिताने के बाद हम आपके यहाँ नहर ले आएंगे। अरे 20 साल झांसे में आ रहे हो आप लोग, 20 साल निकल दिए झुंझुनू के लोगों ने, ऐसे ट्रेनी लोग हैं कि आपको बार बार पांचवें साल में फिर झांसा दे दूं मैं कि भैया चिंता मत करो अब तो इस बार मैं पानी लाऊंगा, बस इस बार मेरे को वोट दे दो। और आपने लगातार 20 साल से इसी झांसे के ऊपर लगातार पानी देने का काम किया है। अरे सर कभी ना कभी तो जगना पड़ेगा, ये तो अपने ही हाथ की बात है, हम लोग इसको नहीं रोकेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। बिजली की क्या स्थिति है? 2 घंटे तो नियमित कटौती के अलावा कब बिजली की ट्रिपिंग हो जाए कहा नहीं जा सकता। और ये आपके मुख्यालय पे गांव में सिंगल फेज बिजली, माता बहनों मैंने आपके लिए अलग से लाइन निकाली थी, राजस्थान के इतिहास में पहली दफा अलग से घरेलू लाइन आपको गलत के अंदर पहुंचाने का मैंने काम किया था। जब मैं राज को छोड़ के गई थी 18 से 20 घंटे आपको बिजली मिल रही थी, आज आप लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। और मैं आपको ये वादा करती हूँ कि सरकार अपनी आती है तो आप लोगों को 24 घंटे बिजली जिस तरीके से हमने सोच के रखा था उस तरीके से आपको घर के अंदर 24 घंटे मिलेगी। आपको सड़क, अरे भाइयों मैं तो अभी सड़कों को देखते हुए आ रही हूँ, एक मेन रोड तो आपकी भैया हो गई आजकल, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जहां जहां मैं दौरा कर रही हूँ वहां फटाफट फटाफट सड़कों का इंतजाम भी होता जा रहा है। अब किन्हीं किन्हीं लोगों ने मजाक करके मेरे को ये कहा कि ये डामर आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे पीछे वो करता जा रहा है, तो एक दफा बरसात हो जाए तो पूरी की पूरी सड़क उठ जाएगी, फिर अगले साल फिर मौका मिलेगा सड़क बनाने का, ये अपना इंतजाम इन लोगों ने करके रखा है। आज हम रथ से ऐसे ऐसे रोड से चल के आ रहे हैं कि आप लोग अगर बैठ जाते खाना खा लेते तो वहां उसमें तुरंत ही 15 मिनट के अंदर हजम हो जाता, ऐसी तो आपके सड़कों की स्थिति है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए था? सर पूरे प्रदेश हमसे आगे निकल गए और हम लोगों का ये प्रदेश इस तरीके से गर्त में पड़ा है। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? जब हमारे को आप लोगों ने सरकार दी थी तो ये सरकार बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था और ये बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने उठा के अपने पैर पे खड़ा किया और इस प्रदेश के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम कर दिया और उस स्थिति बना दी कि धीरे धीरे यह प्रदेश ऊपर जाने लगा। आज आप गुजरात को देख लीजिए, गुजरात को 15 साल मिले तो नरेंद्र मोदी ने चमाचम उसको करके रख दिया है। उधर मध्य प्रदेश के अंदर उनको 10 साल मिले, 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश की कायाकल्प हो गई है। और राजस्थान के अंदर अगर मेरी सरकार हटा दो और भैरव सिंह जी की सरकार हटा दो तो 53 साल अपन ने दिया है कांग्रेस को और कांग्रेस ने जिस तरीके से हमको घर के अंदर पहुंचा के रख दिया है मैं समझती हूँ कि और कोई कर नहीं सकता था। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने 53 साल का राज दिया होता तो 15 साल और 10 साल का आपने देख लिया है, चमन होता राजस्थान, चमन होता। इस तरीके से आपको घर में हम छोड़ते नहीं। आप लोग सबको ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मैंने तो आपके लिए थोड़ा सा निकाल के दिया है, आप लोग इसको सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। आज आप लोग सब जानते हो कि गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है। अपराधों में आज राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है, कितनी खुशखबरी है। महिला उत्पीड़न में देश में 3rd नंबर पे है, महिला दुष्कर्म के मामले में जयपुर देश में 1st नंबर पर है, वाह वाह। अपराधों में प्रदेश की राजधानी जयपुर देश के 3rd नंबर पर है, सोलेज की चेन तोड़ने में जयपुर देश के 1st नंबर पर है, आदिवासी उत्पीड़न में देश में हम 2rd नंबर पर है, एससी और एसटी अत्याचार में देश में हम 1st नंबर पे हैं और भ्रष्टाचार में हमारा प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया कि हम देश के 1st नंबर पे भ्रष्टाचार के ऊपर है। अब बताओ आप लोग कितनी शर्म की बात है, हम लोगों को तो अपना सिर्फ
झुका देना चाहिए शर्म से। कलंकित कर दिया है सरकार ने हम लोगों को कि आज जो राजस्थान को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि लोग मजाक बनाकर कहते हैं अरे वो राजस्थान जहाँ महिलाओं के अत्याचार होते हैं, वो राजस्थान जहाँ भ्रष्टाचार होता है। भाइयों और बहनों, मैं तो नहीं समझती हूँ कि यहाँ कोई भी राजस्थान का आदमी बैठा है जो चाहेगा कि हमारी स्थिति हमारी इज्जत का किसी तरीके से खिलवाड़ हो, हमारे स्वाभिमान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो। राजस्थान के लोग स्वाभिमानी लोग हैं और चाहे वो भूखे सो जाए परंतु अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे, ये मैं विश्वास करके यहाँ से निकल के जाऊंगा। तो मालूम है कि आपको कोई ये नहीं चाहेगा। बरसात आ गई, अच्छी बरसात हुई, रिमझिम बारिश, बहुत सुंदर ठंडक, और अब किसानों का समय आ गया। किसान सब अपने खेतों में दौड़ रहे हैं, किसान ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी बारिश होगी, और किसान ये प्रार्थना करता है कि सरकार हमको बिजली समय पे दे दीजिएगी, क्योंकि आज उनको जैसे 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आपको ये मैं बता दूं कि उसके साथ साथ अगर आपका वो जो ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मर 72 घंटे में नहीं 2-2 महीने में वापस आता है, और जब तक आप रिश्वत नहीं देते हो तब तक आता ही नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो BCR उन्होंने चला के रखा हुआ है, इस BCR के नाम पे कुछ भी लिख दो, इतना अन्याय हो रहा है कि किसी किसान का 1 लाख, किसी किसान का 2 लाख, कोई भी जो मन में आए वो बिल बना के उनको पकड़ा दो। और हम लोगों ने कह दिया है कि सरकार अपनी आएगी तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया उनको दंडित करेंगे, और जो पैसा इस तरीके से नाजायज तरीके से लोगों से ले लिया गया है उसका हिसाब किताब करके उनको वापस करने का हम लोग काम करेंगे। ये हमने सबको कह रखा है। भाइयों, किसानों का ये अनुदान पर खाद बीज लेने के रोज रोज परेशानी हो रही है, ये झुंझुनू की न्यूज है। आप लोग इनके पास जाते हो तो आपको सही बीज ना सही खाद कहीं भी मिलता है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रहा है, ना खाद ना बीज, ये भी नकली। और जब आपके बड़ी मुश्किल से फसल हो जाती है और बाजार में ले जाओ तो उसका सही भाव आपको नहीं मिलता है। यहाँ अगर कोई लोग है, हो सकता है कि किसान भाई नहीं होंगे, परंतु आप लोग यहाँ बैठे हो तो आपको मेरे को बताओ कि किसानों को मुआवजा मिला क्या आपके ओलावृष्टि का? और मिला नहीं मिला? जयपुर में अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में ले दिया जा रहा है कि आप लोगों को बिजली के बिलों के अंदर छूट, और आप लोगों को पैसों का एक बहुत अच्छा जोरदार पैकेज मिला है। मैंने को जहां मैं गई हूँ किसानों ने कहा नहीं हमको नहीं मिला है। मैंने सहकारिता की ओर से 1,50,000 का जो कर्ज आपको मिलना चाहिए बिना ब्याज का, वो आप लोगों को मिला है? किसी को नहीं मिला है। ये भी मेरे को बताया जा रहा है कि हम लोगों ने किया है। अरे घोषणा तो कोई भी कर दो, इस तरीके से घोषणा उपलब्धि नहीं होती है, और सरकार की उपलब्धि जनता गिनती है। और मैं समझती हूँ कि अगर ये नहीं हो रहा है तो छोड़ो जी, फिर क्या मजा आ रहा है। देख लीजिए, बिजली को लेकर सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की परंतु उसको पूरा नहीं किया। एक घोषणा, इस वित्तीय वर्ष में 75,000 कृषि कनेक्शन आपको मिलने वाले हैं, मिले 13,000। इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव में विद्युतीकरण, सिर्फ 50, और किए कितने? सिर्फ 8। इस वित्तीय वर्ष में 20,000 BPL परिवारों को देंगे कनेक्शन, और दिए कितने? 6,000। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, कहती कुछ है करती कुछ है, और सोचती है कि आ जाएगी आपको इलेक्शन के टाइम में फिर से आप लोगों को लुभा देगी और लुभा के आपकी वोट को अपने जेब में डाल के फिर से चल देगी। मैं तो समझती हूँ कि हम लोग सब उनको अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं, ये बात अब नहीं होगी। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे बच्चों को भी बहुत लुभाया जा रहा है। टीचर्स स्कूल्स के अंदर नहीं मिलते, अगर टीचर है तो बच्चे नहीं, और अगर बच्चे हैं तो टीचर नहीं। स्कूल पहली बार बंद किए जा रहे हैं, और आज आपके भास्कर का फ्रंट पेज न्यूज में अगर आपने देख लिया होगा तो उसमें यह है कि पूरा परिवार भीलवाड़ा नगर परिषद में हुए सफाई बने, उन्होंने सब लोगों ने मांग की, और जिनको आप लोगों को नहीं मिला वो ऊपर जाके उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए पूरा परिवार एक टावर के ऊपर चढ़ के बोलने लगा कि हमको एक नौकरी का इंतजाम करिए। 7 लाख लोग ट्रेनों के ऊपर चले 22,000 2200 नौकरियों के लिए परीक्षा करने के लिए, 12 लाख फॉर्म भरे गए,
350 नौकरियों के लिए 3.5 लाख सचिवालय में चपरासी के नौकरी के लिए वो खड़े रहे। क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? मैं हमारे सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि एक परीक्षा अब करनी पड़ती है, टीचर बनने के लिए 5-5 परीक्षा हो गई है, डॉक्टर बनने के लिए तो 2 परीक्षा और टीचर बनने के लिए 5 परीक्षा। टेट को अपन अलग करते हुए, अलग से प्रबंधन करते हुए RPSC को वापिस जाके और उसी व्यवस्था अपने बच्चों को करा के फिर से हम लाएंगे उस स्थिति से ताकि उन लोगों को सही तरीके से नौकरी मिल सके। आज हमारे बच्चों को सबको बाहर पलायन करना पड़ रहा है और मैंने अपने प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, इधर नौकरी नहीं मिल रही तो कहीं और जाना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अपने 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरी हम लोगों ने दी, सरकारी और गैर सरकारी, तो इस सरकार ने आज तक क्यों नहीं दी है ये मैं पता करना चाहती हूँ। अरे 50,000 तक भी नहीं पहुंचे और कहते हो कि हम नौकरी देंगे, रोज झांसा देते हैं, रोज कोई नई बात करते हैं। अब 4.5 महीने रह गए हैं, 4.5 महीने में सबसे पहले हर चीज में पैसा आया, पेंशन का पैसा हम दे रहे हैं। अरे 4.5 साल तक हमारे पेंशन का क्यों नहीं सोचा? हमको 5 साल से आप लोग पेंशन देते आते तो आज मान लो कितने सारे लोगों का भला होता। अगर आपने भामाशाह योजना हमारी तभी कर ली होती तो उस भामाशाह योजना के अंदर 30,000 रुपए तो आपको अब आपके हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाता, उसके साथ साथ 1500 रुपए भी मिल जाते, उसके साथ आपके पेंशन, आपकी जो ये और भी जो पैसा आता है सरकार का वो सब उसके अंदर जाता और उसके फायदा आप लोगों को 4.5 साल का पूरे 5 साल तक मिलता। इस तरीके से नहीं, परंतु आया अब इलेक्शन का टाइम आया तो हमने कह दिया कि नरेगा के लिए जो 2-2 साड़ियां होती मिला करती थी उस समय में, साड़ियों की जगह एवज में अब तुमको जाके पैसा, उसके लिए पैसा। साइकिल नहीं मिल रही है तो ठीक है, चिंता मत करो, उसके अंदर में हम देंगे तुमको पैसा। चावल नहीं मिल रहा है तो ले जाओ पैसा। अरे बच्चों का भी हम सोच रहे हैं, उनका भी कुर्ता पजामा वो भी कर लो। और मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसी स्थिति आ रही है कि कह रहे हैं कि 1 प्लेट और 2 कटोरी वो भी ले जाओ सब लोगों को, कुछ भी नहीं आपको, कुछ जो मांगो वो सब ले जाओ। आपको एक सोने का महल चाहिए ले जाओ, आपको नदी चाहिए दूध की अरे बहा देंगे, काय की चिंता कर रहे हो। ये सब ऐसे ऐसे सुंदर सपने आपको दिखा दिए हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ, इतने साल निकल गए, ना सोने का महल दिखाई दिया, ना दूध की नदी दिखाई दी। अरे हमको ये छोटे छोटे वो काम भी नहीं करके दिए हैं, हमको पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, रोजगार नहीं है और आप सपने दिखा रहे हो। अरे मैं भाई और बहनों, ये सपने देखने का समय अब खत्म हो गया। हमको 53 साल सपना दिखा दिखा के गुमराह किया है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ सब ने एक सपना देखा जरूर है, एक ऐसा नया राजस्थान बने, एक ऐसा नया राजस्थान बने जिस नए राजस्थान के अंदर हमारे बच्चों को नौकरी, हमारी महिला को सुरक्षा, हमारे किसान को मजबूती और हमारे व्यवसाय को फैक्ट्री और काम करने का मौका। एक ऐसा नया राजस्थान जिस राजस्थान के अंदर खुशहाली, समृद्धि और आगे जाने का एक बहुत दृढ़ संकल्प, इस राजस्थान को अगर बनाना है तो हम सबको इकट्ठा होके और आगे बढ़ना है। 36 के 36 कौम और 2-4 जितने भी आपके मजहब, इन सबको जोड़ के चलना है, प्यार के डोर में बंध के चलना है, एक दूसरे से झगड़े नहीं करना है। झगड़े में हमको डाल के कांग्रेस ने हमेशा राज किया है, यह है राज उनका। और इसलिए आज तय कर लो कि हम पूरा राजस्थान प्रदेश हम चल पड़ेंगे और अगर हम चल पड़े तो राजस्थान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको हम करके नहीं रख पाएंगे। तो तैयार हो तैयार हो तो याद रखना कि हम लोगों को बहुत सारे चीज को संभल के देखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। लोग आएंगे, आपको लुभाएंगे, उसके बाद डराएंगे, धमकाएंगे, उनकी बातों में नहीं आना है। याद रखना कि ये पैसा आप सबका ही है, ये जो भी लुटा रहे हैं वो सब आपका पैसा है। और ये भी याद रखिए कि मेरे को तो कुछ अफसरों ने ये भी बोला कि जिस तरीके से लुटा रहे हैं खजाना, आज कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोगों को 2 महीने के बाद तनख्वाह ही ना मिले, ऐसी स्थिति राजस्थान के अंदर ना आ जाए। ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। इसलिए अगर आप लोग तैयार हो तो हम लोग साथ मिले, हम लोग साथ चले। एक व्यक्ति नहीं कर सकता, परंतु आप में जादू है। अगर आपने अपना जादू तैयार करके छोड़ दिया तो मैं विश्वास करती हूँ कि राजस्थान के अंदर अपन सरकार बदलेंगे।
ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पे हम नहीं बैठने देंगे, उनको उतार के उनको सबको कहेंगे कि जनता आ गई है, सिंहासन खाली करो। और इसलिए ये जनता का राज होगा, जनता करेगी राज। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर तैयार हो तो दोनों मुट्ठी ऊपर करके बता दो कि हम तैयार हैं, और एक जोरदार नारा लगाओ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी, हम सब मिलकर नया राजस्थान बनाए, खुशी से नया राजस्थान बनाए। Yeah.